आज का प्रश्न है कि विद्युत विभव किन किन कारकों पर या कारणों पर निर्भर करता है, किन किन कारण पर जो है डिपेंड रहता है विद्युत विभव। तो देखिए चार चीजों पर डिपेंड रहता है, और विभव जो है किसी भी चालक का होता है, तो सबसे पहला चालक के आवेश पर भी विद्युत विभव का मान डिपेंड करता है। यानी बी बराबर क्या होता है, 1/4 πε0 × Q^r। यानी देखिए Q बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। यानी आवेश का मान अगर चालक का बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान भी बढ़ेगा। यानी विद्युत विभव आवेश पर भी डिपेंड रहता है, यानी आवेश बढ़ेगा तो विद्युत विभव भी बढ़ेगा। यानी आवेश जो है विद्युत विभव के सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा, किस पर डिपेंड करता है, चालक के आकार व क्षेत्रफल पर। यानी आकार बढ़ेगा तो विद्युत विभव घटेगा, और आकार छोटा होगा तो विद्युत विभव बढ़ेगा। यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही कह रहा है कि चालक के क्षेत्रफल के जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विद्युत विभव, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो विभव बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा कारण क्या है कि चालक के समीप अगर अन्य चालक को लाएंगे तो, यानी चालक के समीप कोई अन्य चालक लाएंगे तो देखिए कोई भी आवेशी चालक है, क्योंकि आवेशी चालक में ही आवेश होगा। तो जब आवेशी चालक के समीप आप किसी अन्य चालक को लाएंगे तो वहां पर जो विभव का मान कम हो जाएगा लेकिन धारिता का मान बढ़ जाएगा। विभव का मान कम हो जाएगा और धारिता का मान बढ़ जाएगा। धारिता क्या है, तो धारिता है आवेश को जमा करने की क्षमता, कि कौन कितना आवेश जमा करके रख सकता है। उसके बाद है चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी डिपेंड करता है क्या, तो जो है विद्युत विभव। यानी वी बराबर 1/4 πε0 × K × Q/r होता है। तो K क्या है, तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है, किसी भी माध्यम के विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है। तो K बराबर हवा में एक होता है, लेकिन K का मान बढ़ेगा, जिस तरह K का मान बढ़ेगा उसी तरह विभव का मान घटेगा, K बढ़ेगा तो विभव घटेगा। तो ये होता है चारों ओर के माध्यम पर भी डिपेंड करता है, यानी अगर K बढ़ेगा तो विभव घटेगा। इस तरह से विभव जो है चार कारणों पर निर्भर होता है।